नमस्कार, आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। यूपी में अभी भी यूपी पुलिस का एग्जाम चल रहा है और देखिएगा, फर्स्ट शिफ्ट एग्जाम बहुत साफ सुथरा कराया गया, री एग्जाम चल रहा है। सरकार और प्रशासन दोनों चाह रही है कि अच्छा तरीका से एग्जाम हो जाए। लगातार देखिएगा, री एग्जाम कहीं भी हो क्वेश्चन आउट हो जाता है, लेकिन इस बार जिस तरीका से पुख्ता व्यवस्था किया गया उसके बारे में स्टूडेंट से जानेंगे। आखिरकार इस बार कैसा एग्जाम रहा, साफ सुथरा एग्जाम हुआ, अंदर कोई दिक्कत, कोई परेशानी? क्वेश्चन का लेवल क्या था, थोड़ा सा रुकिए, तुमने क्वेश्चन कैसा पूछा था? ठीक ठाक था। री एग्जाम जो हो रहा है, इससे पहले जब एग्जाम हुआ था उसमें और इसमें तुलना करिए क्या था? कोई ज्यादा अंतर नहीं था। रीजनिंग से था? हाँ, रीजनिंग से। किससे ज्यादा समस्या किया, कहाँ क्वेश्चन दिक्कत किया, किस सेक्शन में? तो ज्यादा से ज्यादा ग्राफिक वाले में किया था। और मैथ्स में कहाँ दिक्कत किया? मैथ्स में ज्यादा कुछ। कितना अटेम्प्ट लिए आप? चलिए, कुछ ज्यादा नहीं लिए। और लोगों से जानेंगे कैसा रहा बाबू? अच्छा रहा। कहीं कोई दिक्कत अंदर में, कोई परेशानी? क्या लग रहा है कि साफ सुथरा इस बार एग्जाम हुआ, चूंकि री एग्जाम हो रहा है? अच्छा हुआ है। अच्छा हुआ है। कहाँ दिक्कत हुआ, किस सेक्शन में? कहीं दिक्कत नहीं हुआ। कहाँ परेशानी, किस क्वेश्चन में ज्यादा समस्या होगा, कौन सा क्वेश्चन? चूंकि जो कल आएंगे, जो परसों आएंगे, उनके लिए आप क्या सुझाव करिएगा? सब क्वेश्चन आसान था। आसान था, कोई दिक्कत? कट ऑफ बढ़ जाएगा इसमें। कितना बनाए हैं? बनाए हैं। खुश है पूरा? चलिए, कैसा रहा? बहुत बढ़िया। पिछला बार से तुलना करिएगा, जो आपका कैंसिल हो गया था एग्जाम, क्वेश्चन आउट हो गया था, उससे इस बार कितना अंतर दिखा? उससे तो इजी है। उससे इजी है। रीजनिंग का लेवल क्या था? रीजनिंग का लेवल बिल्कुल लो लेवल। साइंस का लेवल क्या था? साइंस का लेवल मीडियम था सर। मीडियम था। करंट कहाँ से पूछा जा रहा है, किस सन का, 22 वाला, 23 वाला या 24, कहाँ से करंट पूछा जा रहा है? करंट तो दो ही पूछा था अभी, मात्र दो ही। 24 मैथ्स का, मैथ्स में कहाँ से ज्यादा पूछा जाए? मैथ का सबसे ज्यादा टाइम एंड डिस्टेंस एंड टाइम एंड वर्क से पूछा। चलिए, और लोगों से जानेंगे, क्योंकि मेन मकसद होता है कि किसी प्रकार कोई कैसा रहा, क्या क्वेश्चन, किसका एग्जाम आपका? मेरा? हाँ, रिजल्ट के बाद। रिजल्ट के बाद? चलिए, विद्यार्थी सहमे हुए होते हैं कि रिजल्ट के बाद मालूम चले, ताकि बना के तो आते हैं लेकिन कहीं अंदर से कोई खेला तो ना हो जाए, कोई दिक्कत तो ना हो जाए, इसलिए ये लोग परेशान रहते हैं कि अंदर का बात ये लोग तो जानते नहीं है। ताकि सरकार पर और प्रशासन इस बार तो अच्छा की है, लेकिन क्या उम्मीद, कहीं कुछ हो जाए, कहीं कोई दिक्कत हो जाए, इसलिए विद्यार्थी डर जाते हैं। कैसा रहा? चलिए, कैसा रहा हो? अब बहुत सारे विद्यार्थी डर जाते हैं। हाँ आओ छोटू, कैसा रहा पेपर? बहुत बढ़िया। अच्छा, पिछला बार से और इस बार में क्या कहिए? बहुत अच्छा रहा इस बार में भी। साइंस का लेवल क्या था? साइंस का लेवल मतलब ठीक ठाक था, पहले ठीक ठाक था। मतलब पिछला बार से हार्ड था या साधारण प्रश्न था? नहीं नहीं, नॉर्मल था। रीजनिंग तो बिल्कुल बहुत। क्या क्या चेक हुआ गया था पिछला बार से, क्या परिवर्तन आपको देखने को मिला? कुछ नहीं, वैसे जैसे पहले डॉक्यूमेंट हो रहा था वैसे इस बार भी वेरीफाई, पहले जैसे हो रहा था। इस बार उम्मीद है कि साफ सुथरा एग्जाम हो गया, कोई दिक्कत? नहीं नहीं, डेट काफी लंबा खींच दिए हैं तो लग रहा है उम्मीद तो लग रहा है नहीं भी है। नहीं भी है? नहीं भी है। चलिए, विद्यार्थी यही कह रहे हैं कि लंबा खींच दिया गया है, साफ सुथरा एग्जाम हो जाए। यही कैसा रहा छोटू एग्जाम आपका? बढ़िया गया। बढ़िया गया, उम्मीद है इस बार? अरे एकदम उम्मीद है, एकदम पर अच्छा देखे हैं तभी तो कर रहे हैं। कितना अटेम्प्ट लिए? अटेम्प्ट तो 135 किए हैं। बट 135 किए हैं? हाँ, 135 किए हैं। किस सेक्शन में ज्यादा परेशानी हुआ, कौन सा वो सेक्शन था जो विद्यार्थी को ज्यादा समस्या किया? थोड़ा जीएस उस हिसाब से पढ़े नहीं थे हम लोग, जो जो आया था वो चीज हम लोग टच नहीं किए थे। हम लोग यूपीजी के ज्यादा ध्यान दिए थे। यूपीजी के पर ज्यादा ध्यान दिए थे, और जो हम लोगों से मतलब थोड़ा हट गया था, जो तैयारी किए, थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया। जैसे जो कल देंगे एग्जाम, आने वाले समय में उनको क्या सजेस्ट करिएगा आप, क्या कर लें? अब तो समय कम है, फिर भी क्या कुछ बताइएगा? अब बताने के लिए कुछ है नहीं, जो तैयारी किए हैं वो किए हैं सब, अपना जो तैयारी रहेगा वही दे पाएंगे। बस यही है कि देख लें एग्जाम कैसा गया, दो दो सबको मिल जाएगा पेपर, उस पेपर के हिसाब से अपना पैटर्न थोड़ा सा बदल लें। जैसे पिछला बार जो आपका एग्जाम हुआ रद्द हो गया, उसमें और इसमें क्या आपको लगा इस बार अच्छा से एग्जाम कंडक्ट कराएगा? इस बार एग्जाम ज्यादा क्लियर हुआ, सही है एग्जाम, मतलब अभी तक कोई दिक्कत नहीं, अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई है। चलिए, कैसा रहा सर आपका एग्जाम? मेरा एग्जाम बहुत बढ़िया रहा। बढ़िया रहा। री एग्जाम हो रहा है, उम्मीद है इस बार सरकार पर? हाँ, उम्मीद है। हो जाएगा इस बार क्लियर। इस बार क्लियर हो जाएगा। कितना अटेम्प्ट लिया? मैंने लिया 115 क्वेश्चन। जैसे मैथ्स ले लें, रीजनिंग ले लें, साइंस ले लें या जीके ले लें, करंट क्या लेवल था? क्वेश्चन का बहुत लेवल लो है, कट ऑफ बहुत हाई हो जाए, टाइमिंग नहीं मैच कर पा रहा था, टाइमिंग नहीं मिला। मैथ्स में कैलकुलेटिव पूछ रहा है क्या? कैलकुलेटिव नहीं है कुछ, साधारण क्वेश्चन, साधारण क्वेश्चन पूरा। एडवांस वगैरह सब भी दिया जा रहा है? भी नहीं है कुछ भी, एडवांस नहीं, लो लेवल का, एकदम लो लेवल का पेपर है पूरा। पूरा लो लेवल। हम लोग टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं। टाइम मैनेज करना जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है,
जैसे जो कल आएंगे उन लोगों को क्या सुझाव करिए, कहाँ दिक्कत हो रहा है अंदर में, कहाँ पर? वो लोग को यही सुझाव है कि वो लोग कुछ पढ़े ना, आराम से आके जो पढ़ लिए हैं उसी को रिवाइज करके चले हैं। आराम से आके, अब नहीं आराम से, हम पूरी रात जगे हुए हैं, अभी तक नींद आए हैं। गोरखपुर से आए हूँ। पूरी रात क्यों जग गए? इसी पेपर के चक्कर में जग गए। पेपर के चक्कर में कहीं आ जाए? नहीं नहीं, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पहला दिन है ना, इसके बाद क्लियर हो जाता है आगे क्या होना है। चलिए, बहुत कैसा है पैटर्न, जिस तरीका से स्टूडेंट बता रहे हैं कि पिछला बार से अलग पैटर्न आ रहा है, थोड़ा सा चेंज मिला, कैसा रहा आपका? अच्छा रहा। अच्छा रहा, कहाँ परेशानी हुई? कहीं नहीं परेशानी। अंदर में क्या चेकिंग किया गया आप लोगों का? थम वगैरह लिया गया? हाँ हाँ। जैसे एंट्री लिए उसके बाद क्या प्रोसेस हुआ, थोड़ा सा बताइए। कमरे में, सीधे कमरे में, कहीं कोई चेकिंग नहीं? नहीं। और थम वगैरह, आईरिस वगैरह भी लिया गया? नहीं। हाँ, फोटो लिया गया था। फोटो लिया गया था, क्या क्या मिलाया जा रहा है? आधार कार्ड से नाम, डी ओ बी, पिता का नाम। और कोई कोई आपके अंदर में कोई चीटिंग वगैरह करते हुए या चोरी करते हुए? कोई नहीं। चलिए, कैसा रहा बाबू? बस बढ़िया रहा। बढ़िया रहा। कितना अटेम्प्ट लिए सर? 110। 110 बनाए? जी जी। जैसे पेपर जो आपका रद्द हो गया, उस पेपर से और इस पेपर में क्या अंतर पाया? जी सर, हल्का फुल्का अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर। हल्का फुल्का? जी जी। मतलब सिलेबस सेम है? सिलेबस में कोई? सिलेबस वही है सर, कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं? नहीं सर। चलिए, बहुत देख सकते हैं विद्यार्थी कैसा रहा। कैसा रहा पेपर? बढ़िया रहा। बढ़िया रहा, क्या कहिएगा पिछला बार में और इस बार में? पहले बार से इस बार में बहुत बढ़िया था। आसान रहा? आसान था। पूरा इजी? पूरा इजी था। कहाँ सबसे आसान, कौन सा चैप्टर आपको लगा, कौन सा टॉपिक लगा, किस सेक्शन में लगा? जीके ऊपर टॉपिक लगा, और श्रृंखला करके मैथ में आता है, वो भी बहुत टॉप लगा। बहुत टॉप लगा? बहुत टॉप है। करंट का कैसा लेवल? करंट का भी लेवल सही। साइंस में कहाँ दिक्कत हुआ? बायो केमिस्ट्री फिजिक्स का सब ठीक था? सब ठीक था, कहीं समस्या नहीं। चलिए, विद्यार्थी इस उम्मीद में इस बार दिए हैं कि कैसा रहा बाबू? बढ़िया था। इस बार उम्मीद है कि अच्छा से साफ सुथरा करा लिया गया? हाँ, इस बार तो उम्मीद है कि हाँ। अभी तक कोई परेशानी नहीं? नहीं नहीं नहीं। क्या कहिएगा जो विद्यार्थी आने वाले हैं उनके लिए, क्या सुझाव दीजिएगा? उनके लिए यही कहेंगे कि जो PYQ है वो रिविजन करे, करंट अफेयर वगैरह देख ले, रीजनिंग का वेटेज ज्यादा था। बस रीजनिंग ज्यादा पूछा? रीजनिंग में किस टॉपिक से ज्यादा पूछ रहा है? वही जो जनरल पूछता है, बहुत मतलब टफ नहीं था, बेसिक। सीरीज वगैरह ज्यादा परेशान किया क्या? नहीं नहीं, बहुत ज्यादा नहीं। बहुत ज्यादा नहीं, मतलब सिंपल निकल सॉल्व हो गया था। क्या सुझाव करिएगा जैसे हिंदी को लेकर, मैथ्स को लेकर? मैथ्स में कैसे पूछा जा रहा है? मैथ में वही बेसिक है, सारी चीजों में आप रिविजन करिए अच्छे से, कट ऑफ बढ़ जाएगा, चूंकि आसान क्वेश्चन रहेगा तो अटेम्प्ट तो ज्यादा। वो सेट के ऊपर डिपेंड करेगा ना, किया गया आने वाले दिनों में कैसा पेपर हो रहा है, नहीं हो रहा है, मतलब ये दो पेपर आसान था। चलिए, आज का जो दो पेपर था 23 तारीख का, वो जिस तरीका से विद्यार्थी बता रहे हैं कि आसान था, कैसा रहा क्वेश्चन? अच्छा रहा। पिछला बार भी दी थी, रद्द हो गया? हाँ, दिए थे। इस बार किराया भाड़ा नहीं लिया गया क्या? नहीं, फ्री था आना? नहीं, फ्री नहीं था, फ्री नहीं था। कई सारे लोग तो बताए कि फ्री में ट्रेन से बस से आए हैं। कितना अटेम्प्ट लिए हैं? पूरा बना दिए। कहाँ दिक्कत हो रहा है ज्यादा? थोड़ा थोड़ा दिक्कत हो रहा है सेक्शन में, और जीके वाले में। जीके वाले में। चलिए, और लोग से जानेंगे कैसा रहा बाबू आपका पेपर? पेपर ये मान के चलिए मॉडरेट पेपर आ रहा है। मॉडरेट में जैसे मैथ्स का मॉडरेट था या रीजनिंग का था या जिस का मॉडरेट था? टोटल पेपर ही वो टोटल पेपर उसको मॉडरेट माना जाए। रीजनिंग थोड़ा सही जी था, जीएस थोड़ा लेवल है, उसके बाद मैथ थोड़ा कैलकुलेटिव है, मैथ कैलकुलेटिव और रीजनिंग नॉर्मल। साइंस का लेवल क्या है? साइंस के क्वेश्चन एक दो आ रहे हैं, मात्र एक दो आ रहे हैं। उसमें भी किससे ज्यादा पूछा जा रहा है? वही बायोलॉजी नॉर्मल क्वेश्चन है, वन डे वाला, वन डे वाला वन लाइनर ही आ रहा है, वन लाइनर है। क्या सुझाव करिएगा जो कल एग्जाम देने आ रहे हैं? कल एग्जाम देने आ रहे हैं उनको ये सुझाव देना है कि स्पीड मेंटेन किए रहें, टाइम मैनेज ज्यादा, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, और 150 क्वेश्चन तक टच करें, उसके बाद मैथ में टाइम थोड़ा कम दें, उसको लास्ट में अटेम्प्ट करें। मैथ लास्ट में? मैथ लास्ट में, टाइम सबसे ज्यादा दिक्कत। हाँ, मैथ को लास्ट में अटेम्प्ट करें, और हिंदी और रीजनिंग को कोशिश करें कि पहले उसको अटेम्प्ट कर लें, ये सब। चलिए, बहुत बहुत आसान। और लोग कैसा रहा? पेल्टोल्ड भी निकलवा दिया गया? मतलब चेक, री एग्जाम है तो अच्छा सा चेक इन हो रहा है? प्रशासन पूरा चेक? ठीक ठीक। क्या कैसा लेवल रहा था? थोड़ा ठीक ठाक था, मैथ अच्छा क्वेश्चन ही थे, ज्यादा अथवा नहीं थे। बढ़िया। साइंस वगैरह का लेवल? साइंस में नहीं थे ज्यादातर। मैथ का क्या था? मैथ में कहाँ? मैथ में सब हर जगह से क्वेश्चन पूछा गया था, जीएस उसमें सब टच किया गया था। चलिए, और विद्यार्थी देख सकते हैं सभी लोगों का बेल्ट तक निकाल दिया गया है, घड़ी तक, ताकि एग्जाम साफ सुथरा कराया जाए, किसी प्रकार से कोई दिक्कत ना। का समस्या था अंदर में? कोई दिक्कत? अरे कुछ नहीं, कुछ नहीं। चलिए, विद्यार्थी खुश है क्योंकि इस बार साफ सुथरा एग्जाम कंडक्ट करा लिया गया, प्रशासन भी सजग है, और खासकर सरकार के लिए भी एक समस्या का था, ताकि हर बार जब भी एग्जाम होता था पेपर लीक हो जाता था, इस बार री एग्जाम हुआ। कैसा रहा बाबू आपका पेपर?
सही था। तो यदि आपसे बता दें, यदि आप एग्जाम टूर पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, देख सकते हैं सेंटर से मैं लाइव था, एक एक बिंदु को दिखा रहा था ताकि आप, आपका एग्जाम कल है या आने वाले नेक्स्ट समय कभी भी है तो आप सुरक्षित हो जाएं, आप देख लें कैसे चेकिंग चल रहा है, क्या चल रहा है, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और जो भी विद्यार्थी से मैं यही सुझाव करता हूं और उनके गार्जियन से भी यही सुझाव करता हूं कि आप इधर उधर के फिराक में न रहें कि क्वेश्चन आ जाएगा, सेटिंग करा लेंगे, ये आप लोग सबसे ज्यादा समस्या करते हैं। गार्जियन को इन सारे बात पर भी ध्यान देना चाहिए, खासकर स्टूडेंट को भी ध्यान देना चाहिए कि किसी के बहकावे में ना आए, अपना पढ़ाई करें, जो जेन्युइन स्टूडेंट है उनका सिलेक्शन होना चाहिए, सरकार और आयोग भी इस पर ध्यान दें। जय